नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। इंडोनेशिया में 14 नवंबर से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी कल बाली रवाना होंगे और विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ही बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही इंडोनेशिया के बाली में ही 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और बाली शिखर सम्मेलन के ही दौरान पीएम मोदी और अन्य G20 नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण और कृषि, स्वास्थ्य और इसके साथ ही डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और क्वात्रा ने बताया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान 3 वर्किंग सेशन होंगे जिसमें प्रधानमंत्री प्रतिभाग करेंगे और इनमें खाद्य और ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल है। वहीं इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार और इसके साथ ही भारती ने कहा है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का यह दौरा बहुत छोटा हो, लेकिन रणनीति की अगर बात करें तो रणनीतिक रूप से ही यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा को किन्हीं कारणों से पुनः निर्धारित किया गया है। अब द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को यहां पहुंच सकती हैं और राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति सोमवार को नहीं आ रही हैं, मंगलवार को आएंगी। और इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सोमवार को ही दोपहर में देवघर हवाई अड्डे पहुंचेंगी और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ मंजंत्री ने बताया है कि राष्ट्रपति का देवघर दौरा रद्द कर दिया गया है और ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में ही झारखंड स्थापना दिवस के राज्य समारोह में भी शामिल ना हो पाए। और वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति मंगलवार को खुंडी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली अली हातुक जा सकती हैं और रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि राष्ट्रपति खुंडी जा रही हैं और लेकिन उनका मोरहाबादी मैदान का दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति की यात्रा के पुनर्निर्धारण के कारण का अब पता नहीं चल पाया है और एक अधिकारी ने कहा है कि रांची हवाई अड्डे से राजभवन तक की सड़कों को चमका दिया गया है और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत भी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि डिवाइडर को नए सिरे से रंगा दिया गया है और बेकार के बैनर और इसके साथ ही होर्डिंग को भी हटा दिया गया है। तो रांची नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त कुंवर सिंह वहां पहान ने कहा है कि राजभवन के पास की सब्जी मंडी सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर चर्चाएं तेज थीं, जिसको लेकर अब फिर से अपडेट सामने आ रही है। झारखंड दौरे में बदलाव सामने आ रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू के झारखंड दौरे में जो बदलाव सामने आया है उसके बाद कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा को किन्हीं कारणों से ही पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। अब द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को यहाँ पहुँच सकती हैं और राज्यों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति सोमवार को नहीं आ सकती हैं और इसी के साथ मंगलवार को वो आएंगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सोमवार दोपहर देवघर हवाई अड्डे पहुंचेंगी और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। ये जानकारी सामने आ रही थी जिसके बाद अब बदलाव की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। देवघर के ही उपायुक्त मंजूनाथ भंजनी ने ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति का देवघर दौरा रद्द कर दिया गया है। ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड स्थापना दिवस के राज्य समारोह में भी शामिल ना हो पाए। ये भी ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि वो समारोह में भी शामिल नहीं हो सकती हैं। और एक अन्य अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति मंगलवार को खुंडी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली अली हातू जा सकती हैं और रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि राष्ट्रपति खुंडी जा रही हैं लेकिन उनका मोरहाबादी मैदान का दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति की यात्रा के पुनर्निर्धारण के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है।
वहीं कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 39 उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की हैं। पार्टी के ही वडराम सीट से जिग्नेश मेवाड़ी को ही मैदान में उतारा गया है और पहले 6 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें मनहर पटेल का नाम भी शामिल है, जिन्हें बाटोद से रमेश मेर की जगह टिकट दिया गया है। और इसके बाद ही शाम को पार्टी ने 33 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की और कांग्रेस अब तक 142 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 5वीं सूची के मुताबिक मोरबी से जयंती जयराज भाई पटेल और इसके साथ ही जामनगर ग्रामीण से जीवन कुंभरवादिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि धागद्रा से ही छतर सिंह और गुजारिया राजकोट पश्चिम से मनसुख भाई कलारिया और गरियाधर से ही दिवेश चावड़ा को टिकट दिया गया है। वहीं 6ठी सूची के मुताबिक पार्टी ने ही मेवाड़ी को वडमाम सीट से टिकट दिया है, जबकि अगर ठाकुर की बात करें तो ठाकुर मोहन सिंह को ही मनसा से, बलेद वजी ठाकुर को कलोज से और इमरान खेडावाला को ही जमालपुर खडरिया से ही, अमित चावड़ा को अंकलाव से और इसके साथ ही बाल किशन पटेल को डबोई से टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 नवंबर को 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए अपनी पहली सूची जारी की थी और इसके बाद 10 नवंबर को 46 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की और शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी और जिसमें पहले घोषित कर 1 प्रत्याशी को बदला गया था। शनिवार को 9 उम्मीदवारों की 4थी सूची भी जारी की गई थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, अब तक 142 कैंडिडेट की सूची जो है वो सामने आ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने 4 नवंबर को 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए अपनी पहली सूची जारी की थी और इसके बाद 10 नवंबर को ही 46 प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी कांग्रेस ने जारी की थी। तो आपको जानकारी दे रहे थे जहाँ पर 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी और जिसमें पहले घोषित 1 प्रत्याशी को बदला गया था और शनिवार को 9 उम्मीदवारों की 4थी सूची भी जारी कर दी गई। तो पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सोमवार की सुबह पंजाब में भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल अगर बात करें तो फिर तीव्रता जो रही है वो 4.1 मापी गई है और नेशनल सेंटर ऑफ सिमोलॉजी के अनुसार ही सुबह 3:42 पर आए भूकंप का केंद्र अमृतसर से 145 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में ही जमीन से 120 किलोमीटर नीचे गया। और इससे पहले भी दिल्ली NCR में पिछले एक हफ्ते में ही 2 बार भूकंप पाया था और इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली NCR और उत्तरी भारत के कुछ राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दरअसल शनिवार को ही ये भूकंप नेपाल में आया था, जिसके दिल्ली NCR उत्तराखंड समेत कई राज्यों में देखने को मिला था। भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत अन्य जिलों में भूकंप महसूस किए गए थे। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड नेपाल सीमा से सटे हिमालय क्षेत्र में 8 से 12 नवंबर के बीच अलग अलग तीव्रता के कम से कम 8 भूकंप आए थे। और पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन अधिकारी BS महान ने कहा है कि भूकंप का अधिकेंद्र नेपाल के सिलांग कस्बे से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे झटके ही भारत, चीन और नेपाल में महसूस किए गए। तो आपको बता दें कि पंजाब के ही अमृतसर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जहां से भूकंप की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि यहां पर भूकंप पहले आया था और उसके बाद कई और जगह पे भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ही सोमवार की सुबह भी पंजाब में भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया है और लोग काफ़ी दहशत में भी नज़र आ रहे हैं। वहीं भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग अपने घरों, दफ्तरों से बाहर भी आ गए। आपको बता दें रिकवर स्केल की अगर बात करें तो उसकी तीव्रता रही है 4.1 मापी गई है और नेशनल सेंटर ऑफ सिमोलॉजी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुबह 3:42 पर आए भूकंप का केंद्र अमृतसर से 145 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में जमीन से 120 किलोमीटर नीचे पाया गया। और इससे पहले
दिल्ली एनसीआर में भी पिछले एक हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जब लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर आ गए थे। आपको बताएं कि इस एक हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इससे पहले 12 नवंबर की अगर बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दरअसल शनिवार को ये भूकंप नेपाल में आया था, जिसकी दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में देखने को भी मिला था। और भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली समेत अन्य जिलों में महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड नेपाल सीमा से सटे हिमालय क्षेत्र में 8 से 12 नवंबर के बीच ही अलग अलग तीव्रता से कम 8 भूकंप पाए गए थे। पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन अधिकारी बीएस महान ने बताया कि भूकंप का अधिकेंद्र नेपाल के सिलांग कस्बे से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसके झटके भारत और चीन और नेपाल में महसूस किए गए। आधा नवंबर बीत चुका है, लेकिन सर्दियों का अभी तक कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, वही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान के और से बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और दक्षिण भारत में बारिश का असर अगले हफ्ते से ही भारत के कुछ राज्यों में देखने को ज़रूर मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण के साथ कोहरा भी छाया रह सकता है। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में तमिलनाडु और केरल में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई दिनों की बारिश से आज राहत मिल सकती है। हालांकि आने वाले 4 दिनों में वहां गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पंजाब में आज हल्की बारिश हो सकती है और जिससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि ठंड बढ़ने के आसार हैं और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है, लेकिन कोहरा और बादल छाए रहने का अनुमान जता दिया गया है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और मौसम विज्ञानों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हरियाणा के कई इलाकों में आज बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार है, जिसके कारण तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में आज मौसम साफ होगा और तापमान में गिरावट होगी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम खराब बने रहने का पूर्ण अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौज और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं हिमाचल के दूसरे इलाके शिमला, सोलन, कुल्लू, चंबा और सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं अंडमान और निकोबार में 1 से 2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। और तेलंगाना में भी आज बारिश हो सकती है। चेन्नई शहर की अगर बात कर ले तो चेन्नई शहर और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश होने से साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वे समुद्र में ना जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।